कार का क्रेज इंडिया में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि कार के रिव्यूज़ करके आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो, जो कि मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। जी हां, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग में चलती है कार। एक्सपेंसिव कार बहुत ही चीप रेट में इंडिया में मिल जाती है। इसमें कॉम्पिटिशन दोस्तों न के बराबर है। आप ये करके बहुत सारा पैसा बैंक अकाउंट में आपके खींच सकते हो। आपको यकीनन कार रिव्यूज़ का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा वर्क और मेहनत आपको लगेंगी, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगेंगी। देखते रहिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, कार का क्रेज इंडिया में बहुत है। अगर आपका जो क्रेज है वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप बहुत अच्छी रकम उठा सकते हो, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसी लिहाज से वीडियो है दोस्तों। थंबनेल में आपने जो देखा है उनके बारे में बात करूंगा। बहुत पहले से उनको देखते आ रहा हूँ मैं, आप कैसे कार का रिव्यूज देके बहुत अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो। एडसेंस से तो काफ़ी निग्लिजिबल आपकी अर्निंग होगी, लेकिन कार के बैकएंड में जो आपकी अर्निंग होगी, ठीक है, बहुत सारे तरीके कार जो कार रिव्यूज देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कार होनी चाहिए, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो सेकेंड हैंड कार मार्केट में जाना है वहाँ पर शूट करना है। नहीं, आपको ऐसे तरीके बताऊँगा आप घर बैठ के, और जो कार लवर्स है वो तो बहुत ध्यान से और अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, हमारे पास एक नॉलेज है, जैसे आप कार लवर हो, आपको पता चलता है कि ग्लोबल एनकैप क्या है, इंडिया में कौन सी कार ट्रेंडिंग में है, मारुति का शेयर क्यों घट रहा है, टाटा का शेयर क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ सेफ्टी। अगर ये बातें आप कर सकते हो और आपको पता है, तो आप क्यों ग्रुप, आपके ग्रुप तक क्यों सीमित रखते हो? आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, उसमें सिर्फ शेयर करना है कैसे ट्रेंडिंग कार कब आएंगी, अपकमिंग कार कब आएंगी, और टॉप 10 सेलिंग कार इन इंडिया, टॉप 10 सेलिंग कार इन वर्ल्ड, ये भर भर के कंटेंट है आपके, और ये ट्रेंडिंग कंटेंट है। क्योंकि देखिए, एक ज़माना था कि टू व्हीलर का बहुत क्रेज़ था, मेरे पास करिश्मा है, मेरे पास पल्सर है, कोई बोलता था मेरे पास यूनिकॉर्न गाड़ी है होंडा की, जैसे मेरे पास यूनिकॉर्न थी। अभी कार का ज़माना आ गया। देखिए, एक ज़माना था कि जो मिडिल क्लास फैमिली के पास में कार बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक बात होती थी। अभी 90% सिटी के लोगों के पास कार है, लेकिन फिर अब प्रीमियम कार आ गए, हैचबैक से लोग सिडान में जा रहे हैं, सिडान से लोग अभी एसयूवी पसंद कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक ओरिजिनल कंटेंट है, ये आपको कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे पैसे कमाना है, प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं, और आपको ये बताऊंगा कि ये कंटेंट डाल के आप कितना पैसा कमा सकते हो, आप दंग रह जाओगे। तो चैनल पे अगर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। बाजू की जो बेल आइकन है दोस्तों वो प्रेस कर दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन की बटन जो है उसे भी प्रेस कर दीजिए। जो भी वीडियो डालो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरे वीडियो का लाभ ले सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे $7,500 लेके तो $1,17,000, लेकिन मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि $25,000-30,000 आराम से कमाते ये। एडसन रेवेन्यू जो होता है वो ऑटोमोबाइल में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे $20,000 लेके चलता हूँ। बहुत बड़ी रकम है 20,000, और इसका रीजन भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, संस्कारी सुमित, ये एक बहुत बड़ा चैनल है, अभी बन गया बहुत बड़ा, लेकिन मैंने सुमित भाई का चैनल जब 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे तब उन्होंने थैंक यू बोला था अपने सब्सक्राइबर पे, तो वो वीडियो मैंने देखा था 10,000 सब्सक्राइबर से, और ये डेढ़ साल पहले की बात है शायद, बस डेढ़ साल पहले की बात। तो कैसे क्या इनका इतना कैसा क्या चैनल कैसे ग्रो हुआ, मैं वही बात आपसे करूँगा। और आप कार रिव्यू का चैनल बना के बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। इनके जो जेन्युइन कार रिव्यूज रहते हैं, जैसे इन्होंने शॉर्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, शॉर्ट डाले और शॉर्ट इनके बहुत वायरल। अगर आप देखोगे संस्कारी सुमित चैनल पे आप जाओगे तो इनके शॉर्ट्स देखो आप, और इनके हर वीडियो में ऐसे नहीं कि व्यूज 10-20 हज़ार, तो बहुत कम बोल दिया मैंने। देखिए, 2 घंटे में 24,000, 17 घंटे में 57,000, मिलियन में कई व्यूज चले गए, 4 दिन में 76,000। तो इन्होंने एक वीडियो डाला था कार 24 की ठगी, यानी इनकी जो ड्राइवर थी वो कार 24 ने उनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली थी वो बहुत कम निकाली थी, और इनकी एक साल भी नहीं हुई थी गाड़ी, तो वो कंट्रोवर्सी थोड़ी चली, और आखिर में इनकी बात सच निकली। तो जो पब्लिक होती है वो अटैच इनसे ज़्यादा हो गए, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेट किया, जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट्स के, अगर आप संस्कारी सुमित शॉर्ट भी डालोगे ना यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स डालते हैं ये, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। और वहाँ पे देखिए, और देखिए 11 मिलियन व्यूज है, 11 मिलियन, एक इसमें तो 20 मिलियन व्यूज है इनके शॉर्ट में, 20-22 सेकंड के वीडियोज है। अभी देखिए, यहाँ पे 11 मिलियन व्यूज शॉर्ट से आए हैं, तो मैं
कम से कम मान के चलता हूँ तो ये 11 मिलियन ये एक सिंगल शॉट ने इनको कम से कम 15 से 20 या 30 हजार सब्सक्राइबर गेन करके दिए। तो इन्होंने कैसा किया, तो ये देखिए जो जैसे मैंने कहा अभी कि यहाँ पे ये जो इनकम है वो कम से कम 15-20 मैंने कम से कम लिया, ज़्यादा हो सकते इससे, क्योंकि इससे तो कई ज़्यादा रहते यूट्यूबर की, तो ये छोड़ दीजिए $7,500 यानी इनके 3-4 लाख रुपये तो इनसे ज़्यादा ही है, एंगेजमेंट ज्यादा है, सब्सक्राइबर वैसे माने जाए तो कम है, 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर है, लेकिन पैसे इनके ज्यादा है क्योंकि एंगेजमेंट काफी ज्यादा है। आपके अगर 10,000 भी सब्सक्राइबर रहे और आप आधे आधे घंटे के वीडियोस डालते हो और आपका जो और आपके वीडियो में एंगेज लोग ज्यादा होते हैं तो आप 1 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल से भी ज्यादा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये बात होती है, तो मैं ये कह रहा था जैसे कि इनके चैनल पे शॉर्ट्स इन्होंने बहुत ज्यादा ऐड किए तो शॉर्ट्स से ये फेमस हो गए। अभी इनकी बात मैं बीच में काटता हूँ और एक चैनल दिखाता हूँ। ये चैनल तो मैंने जब 2,500 सब्सक्राइबर थे इनके, एक चैनल है हर गैरेज, हर गैरेज देखिए 2,500 ये भी 1.5 साल पहले की बात है, 2,500 सब्सक्राइबर से मैडम के 7,20,000 सब्सक्राइबर हुए। इनके बातें करने का तरीका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जेन्युइन है और नेचुरल है और बहुत ही अच्छे बातें करते हैं, तो उनके वजह से इनके भी जो एंगेजमेंट रहते हैं काफ़ी ज़्यादा रहती है। बहुत से चैनल हैं जैसे DS मोटर वगैरह है, गगन चौधरी है, लेकिन ये इसीलिए मैंने हमारे नीच से रिलेटेड कॉन्टेंट इसीलिए है ये, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी गेन किया और यूट्यूब से पैसे कमाने लगे। स्टार्टिंग में मैडम का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन स्टार्टिंग में ये फंबल होते थे थोड़ा थोड़ा, जब इंटरव्यू लेने जाते थे ये ओनर का तो थोड़ा फंबल होते थे, होता भी है। उसके बाद में इन्होंने अच्छी ग्रिप पकड़ी और अच्छा चैनल इनका रन हुआ। तो मैं अभी देखिए यहाँ पे हर गैरेज करके डालता हूँ। देखिए संस्कारी सुमित जी के 1400 वीडियो अपलोड थे, इनके सिर्फ 581 है और तकरीबन सेम ही है पैसे, इनके थोड़े ज्यादा है, एंगेजमेंट ज़्यादा है। इनके व्यूज अगर देखो तो देखो 3, 6 और 7 45 करोड़ व्यूज हैं, यानी बहुत ज़्यादा है। संस्कारी सुमित भैया के कितने हैं, व्यूज के मामले में लगभग दोनों सेम ही हैं। तो बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये नॉलेज आप भी कर सकते हो। 1.5 साल पुराना दोस्तों, मिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुके हैं ये तो सिर्फ ये एडसन के बोला है मैंने। इनकी कमाई क्या होती है, शोरूम अगर कोई शोरूम में भी कंपटीशन होती है, अगर हुंडई का शोरूम अगर मैंने व्लॉग निकाला और मेरा व्लॉग जैसे फेमस हो गया तो मैं शोरूम वाले भी मुझे बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे आओ कुछ कमीशन हम देते हैं, हमारी अल्कज़ार गाड़ी है, नियोस गाड़ी है, जैसे टाटा वाले मुझे बोलेंगे कि नेक्सॉन गाड़ी का आप एक रिव्यू दीजिए, ये शोरूम में आके अपने ये शोरूम में आओ और 30,000 का बोनस पाओ, वहां से भी पैसे मिलते हैं। और ब्रांड कोलैबोरेशन जैसे टाटा वाले भी करते हैं, जैसे टाटा की एडवर्टाइजमेंट कंपनी जैसे कि वोल्क्सवैगन की हो गई, मारुति वाले की होगी, आपके जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको बहुत तगड़ी यहाँ पे अमाउंट मिलती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात जैसे कि कार के जो भी पार्ट्स रहते हैं, कार के अंदर के परफ्यूम्स रहते हैं, कार के अंदर के सब जो भी रहते हैं उसके भी आपको ऐड मिलते तगड़ी वाली। तो ये तो हो गए, इनका मैंने प्रूफ दिखा दिया आपको, आप करोगे कैसे। देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे आप इनके चैनल पे अगर जाते हो तो स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी वैसी है, टॉप 20 गाड़ी, टॉप 5 गाड़ी, 5 लाख के अंदर के SUVs, 5 लाख के अंदर के हैचबैक गाड़ा इंडिया में, ये ऐसे ही स्टार्ट किया था। अभी संस्कारी सुमित का ये है कि पहले उन्होंने ड्राइवर लिया था, अभी महिंद्रा 700 उन्होंने लिया। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, जैसे आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, अगर आप पहला वीडियो आप कैसे डालेंगे वो आइडिया दे रहा हूँ मैं। गूगल पे आना है आपको, तो जैसे पहला वीडियो आपको डालना है कि अभी अपकमिंग कार या फिर बजट कार, मिडिल क्लास लोगों को आपको टारगेट करना है। और यहाँ पे देखिए आपको एक दो वीडियो डालने से नहीं, कम से कम 10-15 वीडियो डालने हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड करती है वो कार पे। जैसे मैं यहाँ पे डाला हूँ, आर्टिकल तो हजारों मिल जाएंगे आपको, जैसे मैं यहाँ पे डाला हूँ कार्स अंडर 6 लाख, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये किया। तो यहाँ पे पहला ही जो आर्टिकल है, जैसे कार वाले एक रेप्यूटेड वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके यहाँ पे इमेजेस भी ले सकते हो। अगर आपका फेस शो नहीं करना है तो यहाँ पे इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये इमेज जैसे राइट क्लिक किया मैंने और ये सेव एज ये हो गया, इसकी इमेज स्क्रीन पे चलती रहेंगी, ठीक है, मैंने S1 करके सेव कर दिया। रिव्यूज भी आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ये साइट ओपन करके भी बोल सकते हो, लेकिन आपको
ये साइट का कॉपीराइट आ सकता है, डायरेक्टली कोई साइट हम लाइव नहीं दिखा सकते हमारे वीडियो में, ठीक है। तो ये इसीलिए फिर आप ये इमेज ये करके पावर डायरेक्टर में या काइन मास्टर में या फिर जो मैंने क्लिक जैम बताया था अभी बताऊंगा जो सॉफ्टवेयर है एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसमें ऐड करके आप म्यूजिक डाल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए और यहाँ पे देखिए अब आप जैसे आप जैसे बोला ना मैंने अभी हर गैरेज और संस्कारी सुमित तो फेस रिवील करते खुद का, लेकिन एक चैनल बताता हूँ वैसे ज्यादा पसंद नहीं है मुझे वो चैनल, ये ASY कार्ड ड्राइव। देखिए 1.87 मिलियन सब्सक्राइबर है, इनके जो वीडियो रहते हैं वो यही रहते हैं कि नवंबर में ACU कितनी सेलिंग हुई, ये देखिए वीडियो चलता है, वीडियो भी कंपनी का है कोई कॉपीराइट नहीं आएंगे आपको, इनका वॉइस ओवर चलता है, तो ये भी बहुत पैसे कमाते हैं। तो आपको ये भी करना है, जैसे कि आप यहाँ पे आ गए, एक गाड़ी आपको मिल गई कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि 5-6 लाख के अंडर में है। अभी दूसरी गाड़ी जैसे रेनो की ट्राइबर है, काइगर है, जैसे मुझे गाड़ी के बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, टाटा पंच है, रेनो की काइगर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, तो टाटा अल्ट्रोज है, टियागो है, सेफ्टी के मामले में बहुत सही गाड़ी है, निसान मैग्नेट है, सेलोरियो है, यहाँ पे इग्निस है, इग्निस बहुत बेहतरीन गाड़ी है छोटी फैमिली के लिए, नेक्सा की सर्विस भी मिल जाती है। तो आपको ऐसे बातें करना आना चाहिए, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सीख भी सकते हो। और जो कार लवर्स हैं वो अपनी बातें अपना नॉलेज एक ग्रुप तक ही सीमित मत रखिए, आप यकीनन यूट्यूब चैनल पे आपको आना चाहिए, आपको भले क्या होगा नहीं होगा फेल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, फेल होने के बाद में यूट्यूब की तरफ से लेटर तो नहीं आता कि आपको अभी फांसी की सजा दी जाएगी क्योंकि आप फेल हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो आपने ये करना है, फिर आप धीरे 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 आप जो नीच में आप धीरे धीरे काम करते हो तो वो नीच का आपको एक्सपीरियंस आता है दोस्तों, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती है कि मुझे कोई ये बताएगा, मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो। जैसे YouTube पे क्या होता है, जब तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं होते तो यूट्यूबर बहुत वीडियोस देखते हैं कि ये कैसे कंप्लीट करो, फिर एक लेवल ऐसे आती है तो वो खुद पे हंसने लगती है, कुछ भी नहीं रहता, कंसिस्टेंसी है, जब एक्सपीरियंस आते रहता है तो सब पता चल जाता है कैसे व्यूज आते हैं, ACO कैसा होता है। सेम हर नीच पे वही होता है, कार का नीच रहो या मेरा नीच रहो मेक मनी ऑनलाइन का, लेकिन हर एक नीच में आपको मेहनत करनी होगी, वैसे पैसे नहीं आएंगे आपको। क्यों मैं आपको झूठ बोल के 2-4 वीडियो बनाओ और करोड़पति बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला ये टॉपिक है कार्स के बहुत लवर्स, जैसे मैंने बताया, जैसे आप ये भी सर्च कर सकते हो, इनके वीडियोज़ भी अवेलेबल रहते हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, हर एक ब्रांड ठीक है। और आपको ये मैं बता दूँ कि इंडिया बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी सेक्टर है और इंडिया में फर्स्ट जो नए कार से ज़्यादा सेकंड हैंड कार ज़्यादा बेचे जाते हैं और प्रॉफिट के मामले में, मैं कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट के मामले में सेकंड हैंड कार का बिजनेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यू कार। तो आप सेकंड हैंड कार का भी कर सकते हो, और जैसे कि हर सिटी में होता है सेकंड हैंड कार का एक मेला, वहाँ पर जा सकते हो, बहुत वीडियोज देखते हैं और वो तो मैं, और सेकंड हैंड कार का जो मेला रहता है, आपके एक वीडियो में 10 कार सेल हुई तो आपको वो एक कार या एक कार के पैसे देते हैं, 1.5 लाख रुपए होते हो, ये बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में कंपटीशन नहीं है क्योंकि इसमें डेयरिंग लगती है दोस्तों, जैसे कि संस्कारी सुमित भाई इन्होंने डेयरिंग किया, हर गैरेज मैडम ने डेयरिंग किया, हर शोरूम में जाते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, बड़े बड़े कारों में इनको बैठने को मिलता है, इन्होंने बड़े बड़े कार परचेस करे हैं, पैसे इनके पास में आए हैं, लाइफस्टाइल चेंज हुई है विद इन अ टू ईयर। इसीलिए मैंने इन दोनों का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि अब मैं आपको एक और बात बताता, जब मेरे 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे या 6 हज़ार होंगे मुझे इतना नहीं पता, उस टाइम मैडम के थे 2.3 या नियर अबाउट 3K सब्सक्राइबर थे, और सुमित भाई के ज़्यादा थे, 15-16 हज़ार सब्सक्राइबर थे जब मेरे 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर थे। तो अभी मैं 1 लाख के भी नहीं पहुंचा, तो इन लोग बहुत आगे चल गए बिकॉज ऑफ नीश, ठीक है, मेरा माइक्रो नीश है, ये एक हेल्दी नीश है कार वगैरह। तो आपको देखिए, अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना होगा और बनाना ही है अगर आपको पैसे कमाना है, तो ये बात बिल्कुल भी आप ध्यान में रखिए, यूट्यूब चैनल बनाना है बोले तो बनाना है, नहीं बनाते आता तो मेरा 1.25 घंटे का वीडियो है, वो देख लीजिए, सिर्फ आपने सर्च बार में डालना है कि हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, उसके सामने मेरा नाम लिख देना, मेरा चैनल आ जाएगा दोस्तों, ये वाला जीमेल आईडी से लेके। तो मैंने बहुत यहाँ पे गजब की यहाँ पे वीडियो बनाई है जो कि 1.25 घंटे का है दोस्तों,
और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि एक कोर्स ही है फ्री में, और मैं आपको सच बता दूँ मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कोर्स बाय किए हैं, क्योंकि मैं किसी को मना ही नहीं करता कोई कोर्स बाय करने की, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। तो उन्होंने बोला सर ये आपका जो है उसमें जो हमने 5,000 का बाय किए तो उसमें भी नहीं है ये कुछ, तो इसीलिए आपको ये फ्री में मिल रहा है। और एक साल पहले मैंने ये बनाया था, ये भी एक घंटे का है, ये भी देख लीजिए आप। अगर ये दो कोर्स देख लिया आपने तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और यूट्यूब के कोर्स बाय करने की, मैं यूट्यूब के बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप नॉलेज बढ़ाने के लिए बाय कर सकते हो, जैसे कि जैसे आपका चैनल 10,000 सब्सक्राइबर भी हो गया तो आपको ये जो सेकंड हैंड कार वाले हैं या कोई पर्सनल जिसे प्राइवेट कार रही है, जैसे मैं आपके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए और आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं बोलूँगा कि यार मेरी ये इकोस्पोर्ट फोर्ड है या मेरी मारुति अल्टो है, ये आपके इसमें ऐड डाल दो, कुछ कमीशन आप रख लो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बिकती है, ठीक है। जैसे 2010 के ऊपर की कार होंगी, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं स्विफ्ट कार, जैसे स्विफ्ट डिजायर 2012 की है तो आराम से बिक जाएंगी वो 3.5-3 लाख के आराम से बिक जाएंगी। कम बोला मैंने 4-4 लाख में भी बेचे हैं। होंडा सिटी ट्रेंडिंग कार है, फोर्ड की फिएस्टा जो मेरे पास है वो एक ट्रेंडिंग कार है, और आप इसमें अगर घुस गए ना आपको बहुत पैसे है। मैं बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ, ये चैनल अगर आपके मन में से निकल गया होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, और हज़ारों लोग होंगे मुझे पता है कि उनके मन में तो था ये शुरू करूँ या नहीं शुरू करूँ, मेरे वीडियो देखने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैं दिल की बातें बोलता हूँ लोगों की और रियलिटी बेस पे बात करता हूँ कि आप एक कर सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं संस्कारी सुमित और हर गैरेज मैडम, ये बहुत ही ऑर्डिनरी पीपल हैं, आप और हमारे सरीके हैं, अभी फेमस बन गए हैं, और मैं दुआ करूँगा कि और एक फेमस में मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हो और अच्छा अच्छा नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करे। देखिए मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया है, आपको ये ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है और क्यों है, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, जय हिंद।